कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रभु खुद आके करवाता है, क्योंकि हमारी कोई हैसियत नहीं है कुछ करने की। जो फोन आ रहा है ना सर, उस फोन में जो पेन है, उसका जो दर्द है, उसी दर्द को खत्म करने के लिए हम ये सेवा चला रहे हैं। हमारे मोबाइल नंबर्स हैं जिसमें हमें कॉल आती है, और देन जैसे ही कॉल आती है हम लोग एम्बुलेंस प्रोवाइड कर देते हैं। अभी तक मेरे पास जो है 12 एम्बुलेंस जो है वर्किंग में है इस समय। कहीं से भी कॉल आती है इमीडिएटली हम लोग भेज देते हैं। किसी को प्लाज्मा चाहिए होता है तो उसके लिए भी नंबर्स और लिंक सेंड कर देते हैं, और किसी ने अपना टेस्ट करवाना है या फिर क्रिमिनेशन करवाना है कोविड पेशेंट का, तो भी हम लोग मदद कर देते हैं। डेली की 40-50 केसेस जो होते हैं डे के हम लोग अटेंड करते हैं, और क्रिमिनेशन का कहूँ तो इस टाइम हम लोग 100 से अब लोगों का संस्कार इस लॉकडाउन में अभी तक कर चुके हैं। और 40 केसेस हैं तो उस हिसाब से आप आइडिया लगा लीजिए कि कम से कम नहीं 300 से 350 के करीब हम लोग जो है ये सेवाएं अभी तक दे चुके हैं और चल रही हैं, अभी कंटिन्यू चल रही है। वाइफ की डेथ हो गई, शी इज 42 इयर्स ओल्ड, 42 साल की थी, और वो कल से उनको हॉस्पिटल में लेके घूम रहे थे, तो कोविड की रिपोर्ट नहीं थी उनके पास, इस वजह से उनको कहीं बेड अरेंज नहीं हुआ। तो अभी वो किसी हॉस्पिटल में, जब ज्यादा ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हुई तो हॉस्पिटल में लेके जा रहे थे, तो ऑटो में ही उनकी डेथ हो गई। तो अब वो जो वापस लेके आए हैं उनको, अपनी वाइफ को, तो सोसाइटी वाले अंदर नहीं आने दे रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि कोविड पेशेंट है, तो इसीलिए वहीं पे करिए जो करना है। तो वो काफी परेशान थे, मेरे पास कॉल आया, मैं वहां जाके देख रही हूँ कि उनको क्या परेशानी और क्या मदद चाहिए, वो हेल्प करने मुझे। अगर कुछ होना है तो घर में बैठे भी तो हो सकता है ना, पैर स्लिप होते भी तो जिंदगी खत्म हो सकती है, तो क्यों नहीं किसी की मदद करके किसी की जिंदगी बचाई जाए, क्योंकि सब कुछ तो ऊपर वाले के हाथ में है, उसी के हाथ में जीना और मरना रखा हुआ है। तो हम लोग अपनी, एक इंसान ही इंसान की मदद कर सकता है, जानवर चाह के भी नहीं कर सकता, तो बस इसी दौड़ में हम लोग सेवा में लगे। मैं ये कर रहा हूँ और इनको साथ लेके कर रहा हूँ, उसके पीछे सिर्फ एक ये है कि इनका ध्यान इनकी खुद की समस्याओं के ऊपर, अपनी प्रॉब्लम्स पे जाना ही नहीं चाहिए। और मैं हर किसी को भी ये कहना चाहता हूँ कि जब आपका कंसंट्रेशन चेंज होगा और फिर अपने लिए दवा हर कोई ले सकता है, अपना इलाज हर कोई करा सकता है, अपना ऑपरेशन, लेकिन जब आप किसी दूसरे के लिए, और दूसरा भी कौन जिसको आप जानते तक नहीं है, तो वहां आप अकेले नहीं खड़े होते।